हे हाय हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को सूचना देंगे बिहार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में और वेल्टन के बारे में। क्या जानकारी है इस वीडियो को देखते रहिए, सभी जानकारी आप लोग को यहां पे मिल जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले BPSM एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। जी हाँ, बीते जो है कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, कुछ इस प्रकार से आप लोग को सूचना दिए थे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के छात्रगण जो है वेल्टन के थ्रू एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हो जाइए। तो इनमें से बहुत सारे कॉमेंट्स आए हुए थे कि एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो किनका किनका लिया जाएगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम जो है जो आप लोग का जो लिया जाएगा वो कौन कौन सी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। ये तीन प्रकार के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आए हुए थे। तो आप लोग को बता दें, एक लेटर जारी हुई थी वेल्टन की तरफ से, विभागीय लेटर, जिसमें कहा गया था कि कार्पलक साइको के जो छात्रगण हैं जो वेल्टन से एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो है जो सॉफ्टवेयर है उसके आकलन किया जा रहा है, अब जल्दी जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोग को बता दें, वैसे स्टूडेंट कार्पलक साइक के वैसे स्टूडेंट जो ज्वाइनिंग के वक्त जिनको नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आप लोग को जो है वेल्टन के थ्रू एग्जामिनेशन पास करना होगा, उन स्टूडेंट को जो है अब जो है एग्जामिनेशन पास करना होगा। जी हाँ, ज्वाइनिंग के बाद जिनको भी कहा गया था कि आपको जो है वेल्टन के थ्रू एग्जामिनेशन पास करना होगा, वही सब स्टूडेंट वही सब जो है कैंडिडेट्स जो है अब एग्जामिनेशन देंगे। जी हाँ, एग्जामिनेशन आज खबर निकल के आई हुई है। इतने दिन पता थे कि टाइपिंग टेस्ट लेंगे, अब ये खबर निकल के आ रही है कि रिटर्न एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है दोनों के लिए रेडी रहिए। और एग्ज़ाम आप लोग का कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, तो हाल ही में इसी मंथ पे आप लोग का और एक लेटर जारी होगी जिसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया जाएगा और आप लोग का जो है लिंक भी जारी हो जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए। तो अब आप लोग को बता दें, कुछ इस प्रकार से आज अपडेट्स निकल के आ रही थी जो कि मौखिक अपडेट्स थी, हमने आप लोग को बताए। आगे जो नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट्स आएगी उससे भी आप लोग को जो है अवगत कराएंगे। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। इसी के साथ आगे इम्पोर्टेंट आप लोग को बता दें, MCQs की जो है अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ईमेल ID दिए हुए हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे वेल्टन DEO के लिए। जी हाँ, वेल्टन डेटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक जो है ऑफ़र लेटर नहीं आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑफ़र लेटर आया हुआ है लेकिन ज्वाइनिंग अब तक जो है नहीं आ पाई है। तो वैसे कैंडिडेट्स हमारे साथ जो है रोज़ाना जो है चाहे ईमेल के माध्यम से हो या फिर टेलीग्राम मैसेज या फिर जो है कॉल के माध्यम से संपर्क हो रही है। आप लोग को बता दें, हर एक ज़िला का अलग अलग जो है ग्रुप बन चुका है टेलीग्राम पे। आप लोग जो है अपने अपने जिनका जो भी ज़िला है अपने अपने ज़िले पे जो है ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग को ऑफ़र लेटर मिल चुका है जहाँ पे आप लोग का पोस्टिंग दिया गया है उस जो है ज़िले पे आप लोग जो है उस ग्रुप पे ऐड हो जाइए। और अभी अगर आप ऑफ़र लेटर नहीं आया है, मान के चलिए आप पटना ज़िले के हैं, तो पटना ज़िले के ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को जो करंट डेली का जो है अपडेट है वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब की आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग को अगर लिंक चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, हमने आप लोग को सभी ग्रुप का लिंक जो है प्रोवाइड करवा देंगे। या फिर वैसे जो है कैंडिडेट्स जिनके पास लिंक है अपने अपने जो है ग्रुप का शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए और सबको जो है ज्वाइनिंग का अपडेट्स मिलता रहे। तो ये वेल्टन डेटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ी अपडेट थी, सिंपल में हमने सभी जानकारी आप लोग को बता दिए। अत्यधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अनुसार अगली वीडियो लाएंगे। तो ये थी अपडेट्स, मिलेंगे बहुत जल्द और एक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बात, धन्यवाद।